हेलो एवरीवन, और लास्ट क्लास हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर रहे थे। दो क्लास हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कर चुके हैं और टुडे इज़ द थर्ड क्लास, थर्ड वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अभी तक हम बेसिक रूल्स सब पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़े थे ऑर्बिट, ऑर्बिट कैन में डिफरेंट सब ऑर्बिट्स, फिर हम पढ़े थे होन्सुल एंड देन वी वेंट टू अबो प्रिंसिपल। अब टॉमिक नंबर 20 तक हम कॉन्फ़िगरेशन भी लिख चुके थे, तो एक बार रिकॉल कर देता हूँ। 21 से आई थिंक 21-22 भी कवर कर चुका था। 21 इज स्कैंडियम। स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिख रहे थे कि ये पोर्शन अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले रखा गया था 1s में, 1s के बाद 2s, देन 2p, ये 3s, 3p, 4s एंड देन 3d, सो ऑन। अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते थे। तो स्कैंडियम हम लिखते थे, स्कैंडियम वॉज 21, ये पोर्शन 18 के लिए आर्गन, ये पोर्शन 4s और ये पोर्शन 3d1 था। 3d1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, ये एक था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वॉज 1। n का वैल्यू 1 के लिए हम पढ़े थे पैरामैग्नेटिक, ये पढ़े थे कलर्ड, म्यू का वैल्यू √3 पढ़े थे, √3 bm, दिस वॉज स्कैंडियम। देन टाइटेनियम पढ़े थे 22, इट वॉज आर्गन, अब ये पोर्शन हो गया था 4s2 और 3d2, तो इसमें n का वैल्यू 2 आया था, उसी के बेसिस पे ये पैरामैग्नेटिक कलर्ड एंड म्यू का वैल्यू इट वॉज √8 bm, ये पोर्शन। देन वैनेडियम, वैनेडियम इज 22 तक हो चुका था, ये वैनेडियम 23, तो इसके लिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इट इज आर्गन, ये पोर्शन 4s2, दिस इज 3d3, ये पोर्शन 3d3। अब 3d3 के लिए जरा ध्यान दो, ये पोर्शन हमारा क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 डी ऑर्बिटल्स, ये 2, 3, पांच बॉक्स है, पांच बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू 3 आएगा, इट विल कम पैरामैग्नेटिक, ये पोर्शन कलर्ड एंड न्यू का वैल्यू इट विल कम √15 bm, इट विल कम √15 bm, तो दिस इज फॉर वैनेडियम। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आगे फर्दर मूव करते हैं, आगे जो नेक्स्ट है क्रोमियम, अब जरा देखेंगे इसको, लिख लेना पूरा अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट वन इज क्रोमियम। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम में थोड़ा सा एक पॉइंट अगर हम चेक करेंगे, वहां पे थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है, वहां पे रीजन है उस एक्सेप्शन का, जरा देखते हैं, ये सब लिख चुके होंगे। चलो क्रोमियम जरा देखते हैं। अब क्रोमियम के लिए जरा देखते हैं क्या होता है क्रोमियम में। तो क्रोमियम इज 24, ये पोर्शन कितना 24। अब क्रोमियम में क्या होता है, ये 18 के लिए आर्गन, ये पोर्शन दिस इज 4s2, दिस इज 3d4, ये 3d4, अगर ये लिखोगे 3d4 तो दिस विल बिकम रॉन्ग, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये डी की वजह से, ये पोर्शन 1, 2, 3, 4, पांच बॉक्स है, 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये रॉन्ग होता है। यहाँ पे अब क्या होता है, समझो जरा, समझो इसको पॉइंट को, इस पॉइंट को थोड़ा नोट करेंगे, तो इसको समझो पहले, दिस इज d4, फिर एक है d5 और एक है हमारा d10, D4, D5 एंड D10। तो D4 ये पांच बॉक्स, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे D5, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, और D10 में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ये पोर्शन 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये क्या 10। तो D4 जो होता है, ये D4 हो गया, ये D5 हो गया, ये D10, इसमें सबका सब फिल्ड है, एवरीथिंग इज फिल्ड, दिस वन इज कॉल्ड एज फुल फिल्ड, इसको हम बोलते हैं फुल फिल्ड, इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस पोर्शन को बोलते हैं हाफ फिल्ड, दिस इज कॉल्ड एज हाफ फिल्ड, और इसमें देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन फिर कुछ खाली है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल फिल्ड, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल फिल्ड, ओके। तो अभी क्या हो रहा है, अगर स्टेबिलिटी देखें, ठीक है, ये पार्शियल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, और ये कौन सा फील्ड है, फुल फील्ड है। तो अगर जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम, अगर इसके बॉक्स के डायग्राम्स को देखेंगे, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो D10 है, उससे थोड़ा कम जो स्टेबल है D5 है, उससे जो कम स्टेबल है D4। तो स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं, तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये जो होगा स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा D10 का, उससे थोड़ा कम जो होगा D5 का, उससे कम होगा D4 का, दिस इज द स्टेबिलिटी। अब व्हाट हैपेंस, अगर हम इसको जरा देखते हैं, यहाँ पे 3d4 है, ये पोर्शन, दिस इज पार्शियल फिल्ड, D4 इज कौन सा फिल्ड, पार्शियल फिल्ड है, ये पार्शियल फिल्ड, ये चाहेगा कैसे, जस्ट दिस इज वन इलेक्ट्रॉन शॉर्टर देन
हाफ फील्ड से, ये पार्शियल फील्ड जो है D4 जो है वो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन कम है हाफ फील्ड से, तो ये सोचेगा कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाए, तो व्हाट विल हैपन, ये 4s और 3d के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, 3d बोलेगा 4s को तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, ये पोर्शन एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दो, तो उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जरा देखते हैं, ये क्रोमियम दिस इज 24, इट विल बिकम आर्गन, ये 4s1 एंड इट बिकम्स 3d5, ये 3d5 रहता है, अब 3d5 की वजह से जरा चेक करो इसका, ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 3d5 की वजह से क्या होगा, ये पोर्शन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या बन गया 5, तो दिस बिकम्स हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड हो गया, एंड हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन कौन सा फील्ड, पार्शियल फील्ड, ओके, तो अभी ये क्रोमियम में आर्गन 4s2 3d4 ये रॉन्ग होता है, और सही क्या होता है क्रोमियम में आर्गन 4s1 3d5, दिस इज द कॉन्फिगरेशन फॉर क्रोमियम, दिस इज द करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, बहुत लोग 5 लिख देते हैं लेकिन 5 इज रॉन्ग, अभी क्या होगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4s, जरा यहां देखो 4s, 4s इज ऑल्सो अनपेड, 4s इज ऑल्सो क्या है अनपेड, तो यहां पे 1 हो गया, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां पे 6, तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन इज n का वैल्यू हो गया 6, एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज कलर्ड, एंड न्यू का वैल्यू अगर देखेंगे कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला में पुट करोगे, इट विल कम 48 bm, रूट 48 bm, एंड हमें पता है न्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमारा था रूट ओवर ऑफ n इंटू n प्लस 2 bm, दिस वॉज द फॉर्मूला, जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यूज ऑफ n, n को वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ से आया, तो आई होप ये क्रोमियम समझ में आया होगा, एक और एक्सेप्शन है कॉपर का, 21 से 30 जो हमारा इंपॉर्टेंट है, और इसके बीच में 21 से 30 के बीच में दो एक्सेप्शन होता है, एक होता है क्रोमियम एंड एक होता है कॉपर, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है रिपीटेडली क्वेश्चन से इसके बेसिस पे क्रोमियम के ऊपर एंड कॉपर के ऊपर, तो ये क्रोमियम था क्यों हुआ ये समझ गए होंगे, ठीक है नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट वन इज मैंगनीज, क्रोमियम के बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट वन इज मैंगनीज, तो चलो मैंगनीज पे ये सारा चीज नोट कर लेना, ये सारे पॉइंट्स वीडियो को बैक करके इसको नोट कर लेना, ओके तो चलो नेक्स्ट वन इज फॉर मैंगनीज, मैंगनीज तो मैंगनीज इज 25, मैंगनीज इज 25, तो ये पोर्शन हो गया, ये हमारा हो गया आर्गन, ये पोर्शन हो गया 4s2, दिस पोर्शन इज 3d5, ये पोर्शन 3d5, तो ये पोर्शन 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस, तो 1, 2, 3, 4 और ये कितना हो गया 5, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 5, दिस इज कौन सा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये पोर्शन कलर्ड, एंड अगेन म्यू का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ n इन म्यू फॉर्मूला, तो पुट करोगे तो इट विल कम √35 bm, ओके नेक्स्ट फिर आयरन Fe, दिस इज 26, अब इसको पुट करोगे आयरन के लिए, तो आयरन के लिए जो आएगा इट विल कम आर्गन, ओके ये आएगा 4s2, दिस इज 3d6, अब 3d6 के लिए पुट करेंगे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये क्या हो गया 6 हो गया, तो n का वैल्यू जो आएगा दिस वन इज पेयर्ड अनपेयर्ड 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 1, 2, 3, 4, तो n का वैल्यू जो आ गया दिस इज 4, दिस वन इज पारा, दिस वन इज कलर्ड, म्यू का वैल्यू आ जाएगा √24 bm, ओके नेक्स्ट वन इज फॉर कोबाल्ट, कोबाल्ट इज 27, दिस पोर्शन इज आर्गन, ये पोर्शन हो जाएगा 4s2, दिस पोर्शन इज 3d7, अब 3d7 के लिए निकालो लास्ट वन 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एन का वैल्यू देखें ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, तो एन का वैल्यू जो आ रहा है इट इज कमिंग एन इज इक्वल्स टू 3, दिस वन इज पारा, दिस वन इज कलर्ड, म्यू का वैल्यू जो आएगा इट विल कम √15 bm, ओके तो मैंगनीज हो गया, ये आयरन हो गया, दिस वन इज कोबाल्ट, एंड नेक्स्ट जो हम आगे प्रोसीड करेंगे वो होगा निकल का, तो निकल का कॉन्फिग्रेशन हम जगह देखते हैं, निकल का कॉन्फिग्रेशन, ओके तो निकल के लिए निकल इज 28 के लिए जगह देखते हैं निकल, निकल का कॉन्फिग्रेशन हो गया, ये पोर्शन हो गया आर्गन, ये पोर्शन हो गया 4s2, ये पोर्शन हो गया 3d8, तो 3d8 ये 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ये पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, दिस वन इज अनपेयर्ड, दिस वन इज अनपेयर्ड,
एन का वैल्यू कितना हो गया, दिस वन इज टू, ये पारा मैग्नेटिक कलर्ड, एंड म्यू का वैल्यू पुट अगेन पुट इन द फॉर्मूला, इट विल कम रूट 8 bm. नेक्स्ट वन इज कॉपर, अगेन कॉपर पे आते हैं, मैंने बताया था 21 से 30 के बीच में जो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है, एक है क्रोमियम का और एक है कॉपर का. तो कॉपर आ जाते हैं, क्रोमियम 24, क्रोमियम जो था 24 था, कॉपर 29. तो आर्गन अगर नॉर्मल फॉर्मूले पे चलेंगे, नॉर्मल अगर हम लॉजिक नॉर्मल रूल पे चलेंगे, तो आर्गन इट विल कम इसके बाद क्या होना चाहिए था, 4:2, और ये 3:9, 8 की जगह पे ये 8 है, तो एक इंक्रीमेंट हुआ तो एक 9 हो जाना चाहिए था, बट ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों अभी बता दे रहा हूँ क्यों, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब ये जो आ गया, दिस कम्स पार्शियल फील्ड, ये हमारा है पार्शियल फील्ड है. ओके, फुल फील्ड क्या होता है, जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जस्ट दिस इज वन लेस देन दैट ऑफ d10 से बस ये एक इलेक्ट्रॉन कम है. ओके, एक मैंने बताया था हाफ फील्ड होता है d5 इज हाफ फील्ड, ये पोर्शन 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हाफ फील्ड होता है. और एक पोर्शन जो होता है d10 जो होता है, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये फुल फील्ड होता है. इसको छोड़कर बाकी सब जो होता है, दैट वन इज पार्शियल फील्ड. ओके, तो ये d9 इज पार्शियल फील्ड, ये हमारा होगा रॉन्ग, क्योंकि दिस इज जस्ट वन इलेक्ट्रॉन शॉर्टर देन d10, ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है. अब तुम लोग सोचोगे ये भी तो पार्शियल फील्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी d10 देगा, लेकिन 4s अपना दो इलेक्ट्रॉन, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर करेगा 3d से, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन. इसलिए जब 3d4 होता है तो वो 4s2 जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देता है, तो जाके ये 4s1 एंड 3d5 होता था इन द केस ऑफ क्रोमियम. एंड अभी कॉपर के केस में ये हमारा क्या है, 4s2 एंड 3d9 है. तो इस केस में अभी क्या हो जाएगा, 4s एंड 3d में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, 4s का जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो चला जाएगा 3d में, एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा 3d में. अब जरा देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो कॉपर इज ये पोर्शन आर्गन, ये पोर्शन दिस इज 4s1 एंड दिस वन इज 3d10. अब 3d10 हो जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहां पे जरा देखेंगे तो दिस इज 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, दिस इज कौन सा मैग्नेटिक, पारा, दिस वन इज कलर्ड, म्यू इज इक्वल्स टू √3bm, म्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, √3bm. सो दिस इज द करेक्ट, और ये जो था लॉन्ग था. ओके, तो अब 21 से 30 में 29 तक हो चुका है, नेक्स्ट वन इज ऑफ जिंक, ZN का लास्ट वन. तो क्रोमियम एंड कॉपर आई होप समझ गए होगे, क्रोमियम एंड कॉपर ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम एंड कॉपर पूरा 21 से 30 इंपॉर्टेंट है. तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा क्लास 11th के एग्जामिनेशन में, क्लास 12th के एग्जामिनेशन में, इनडायरेक्टली बहुत सारा क्वेश्चन होता है और डायरेक्टली भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ये हर जगह काम आएगा, हर इनऑर्गेनिक चैप्टर्स में काम आएगा. ये लास्ट वन ZN 30 कॉन्फिगुरेशन, नॉर्मल फिर से वैसा ही, आर्गन 4s2 3d10. अब 3d10 है तो सारा फील्ड होगा, ये 3d10 हो गया तो पांचों बॉक्स हमारा क्या होगा, फील्ड होगा. तो ये पोर्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब ये n का वैल्यू कितना हो गया, 0, एंड 0 के लिए हम क्या पढ़े थे, इट वॉज डाई मैग्नेटिक, इट वॉज कलरलेस, एंड म्यू का वैल्यू जो हो जाएगा इट विल कम 0, क्योंकि म्यू के लिए फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ n इंटू n प्लस 2, ये हमारा म्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एन इंटू एन प्लस 2 बी एम. अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ऑल विल बिकम 0, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0. अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ गए होगे, ये हमारा हो गया ZN तक का कॉन्फिगरेशन. तो 21 से 31 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 21 से 30 तक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये कॉन्फिगरेशन पूरा कंप्लीट करके रखना, 21 इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड ZN. तो ये कंप्लीट करके रखना, ये बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर आयंस, आयंस के कॉन्फिगरेशन पे जाएंगे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर आयंस. ओके, थैंक यू.